हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। तो हमारी तरफ से आप लोग को, पूरे परिवार को, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है, आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आप खुश रहें। तो ममता तिवारी ऑफिशियल चैनल में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आज हम कुछ बहुत खासा आप लोगों से बात करना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी हो गई है, जो यूट्यूब पे चल रहा है, तो उसी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। और आप लोग जो है, वीडियो एंड तक देखना, और आपको पसंद आए या मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ना लगे अच्छा मेरा विचार तो भी आप लोग कमेंट में बताना कि आपके बात से हम सहमत नहीं हैं या आप गलत बोल रही हैं। आपके मन में जो भी हो, आज ये मेरा वीडियो लास्ट है, आप लोग जरूर हमें भी बताना। ओके, तो चलिए उस टॉपिक पे, मेन जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं। और आप लोग कमेंट में ये भी बताना कैसे हो सब लोग। तो मतलब वीडियो बनाने के लिए लास्ट नहीं है, मतलब वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन जैसे हम अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मेरा विचार आप लोगों को कैसा लगे वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग क्या सोच रहे हैं वो भी बताना, क्या सच्चाई है। तो हम बात करने जा रहे हैं जो राधा दीदी के नाम से फेमस हो रही हैं, और शिवानी को आप लोग तो जानते ही होंगे, जो एक यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरी ये नहीं समझ में आता, जब राधा बहन बार बार कह रही हैं कि शिवानी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे घर का पालन पोषण सब वही करती हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब भी इलाज वही करवाई थी, मतलब शिवानी ही करवाई थी, और हमें जो है नल भी वही गड़वाई, पानी पीने के लिए दिक्कत होती थी, बहुत दूर से हम लाते थे, मेरी तबीयत खराब थी तभी शिवानी ही ने किया। जब सब कुछ शिवानी ने ही किया, जब मतलब राधा दीदी के नाम से वो फेमस है तो हम भी उनको दीदी बोल रहे हैं। जब राधा दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्यों उनके मतलब उनको जाके भड़का रहे हो या फालतू की बातें कर रहे हो। जो कुछ भाई साहब लोग जो गए थे, कुछ लोग, सब नहीं, जाके फालतू की बातें बोल रहे हैं। हम तो ऐसा कहेंगे कि जो आपका साथ दिया है आपके बुरे वक्त में, इतनी आप मतलब दिक्कत में थी तो वो आपको सपोर्ट किए हैं, चलो ठीक है। और राधा बहन हमारी बोलती हैं कि उन्होंने पैसे से किया है तो हमने भी जितना हाथ पांव हमारा चला हमने भी किया है, ऐसा नहीं है। तो दोनों लोग ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक दूसरे को मतलब राधा दीदी और शिवानी को कोई एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने जीवन में मस्त हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे आप लोग ना ऐसी कोई बात ना करो कि दोनों के बीच में लड़ाई हो। दोनों, हम तो यही, शायद शिवानी जो है उनकी बड़ी बहन जो है, उनकी जो है राधा दीदी, उनकी बड़ी बहन की जो मतलब शिवानी के घर में रहती हैं, अधिकतर वीडियो में आती हैं, तो उनकी जो शायद वो सहेली थी। तो आप लोग इतना ज़्यादा कोई बात ना करिए, हम तो यही चाहते हैं अगर हमारे वीडियो जो है पहुँचे सबके, तो राधा दीदी आप जाके आगे से जो है, कल नया साल है, सारी बातें भूल के और एक दूसरे को गले लग के हैप्पी न्यू ईयर बोलिए और खुश रहिए अपने जीवन में, किसी की बातों में ना आइए। हाँ, जो आपसे थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा, अगर शिवानी से आप पूछेंगी तो वो आपका सपोर्ट भी करेंगी, क्योंकि आप एक यूट्यूबर मतलब बन ही चुकी हैं, समझ लो। तो मतलब अगर आप सपोर्ट मांगेंगे तो शिवानी बहन ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी का सपोर्ट करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम ये भी कहेंगे, अगर मान लो चलो कुछ गलती तुम आपके तरफ से और राधा बहन की तरफ से हुई, कुछ मान लो चलो ठीक है कि सब लोगों के नज़र में लगता है कुछ शिवानी, तो ऐसा हमें नहीं, कहीं से अभी तक हमको ऐसा नहीं लगा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की गलती सभी माफ़ कर दो और साथ में रहो, थोड़ा बहुत जैसे पहले रहते थे राधा बहन और वो
दोनों लोग आप लोग साथ में ना किसी के बातों में ना आओ कि कोई आपको कुछ बोल रहा है राधा बहन या शिवानी बहन को, तो आप लोग सोचो कि हमारे बारे में वो कैसे बोले, वो सोचे मेरे बारे में कैसे बोलो। इसमें जो है ना बात की जो है आगे बढ़ेगी और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आएगी, लड़ाई होगी। जैसे आप लोग पहले रहते थे वैसे सेम रहे रहो सब लोग साथ में। और सही बात है, शिवानी बहन से हमें भी कहना चाहते हैं कि शिवानी बहन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जैसे थी, मतलब मतलब ये राधा बहन के मुंह से हमने सुना है कि हमारे पालन पोषण सब शिवानी ही करती थी, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी, मतलब आपके घर की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, तो राधा बहन की जिम्मेदारी ही आपके ऊपर है, ये हम नहीं कह रहे थे। वो राधा बहन खुद बोले कि हमारी सारी पालन पोषण वही करती थी, तो कोई बात नहीं, अगर वो एक चैनल बना ली हैं तो जो हो पाएगा आप उनको सपोर्ट कर दिए और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई शिवानी बहन, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने पैर पे खड़ा होने दीजिए और वो भी मेहनत करें, समझें कि हाँ मतलब शिवानी बहन कितनी मेहनत करती थी, और आप लोग सब साथ में रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और जितने चमचे लोग हैं उनको सब इग्नोर करें, आप लोग आगे बढ़ें, और जैसे पहले सभी लोग रहते थे साथ में तो वैसे आप लोग रहो, किसी से कोई मतलब नहीं है। जो मतलब जैसे आप पहले आते ऐसा नहीं, शिवानी बहन उस दिन बोली थी कि हम आज से नहीं आएंगे ये लाइन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं आपने उनको सपोर्ट, लेकिन आपने अपने जबान से कभी बोला भी नहीं था कि हमने इतना सपोर्ट किया है, तो सब जब वीडियो उस दिन आई सामने तो हम लोगों को पता चला, लेकिन आपने तो अपनी जबान से कहीं भी नहीं बोला कि हमने इतना सपोर्ट किया है, होना भी चाहिए सिस शिवानी बहन, आपने अपनी जबान से कभी नहीं बोला। राधा बहन भी आपको मतलब हमेशा कहती हैं कि मेरा भी सपोर्ट करिए और शिवानी का भी सपोर्ट करिए, मतलब वो अपने वीडियो में बोलती हैं, जो कोई मिलने भी जाता है उनसे भी वो यही बोलती हैं, आपकी मतलब बुराई कभी नहीं करती हैं भाई, वीडियो में तो नहीं करती, हम लोगों ने नहीं देखा है, और उनकी आँखों में आंसू भी आ जाता है कभी कभी। तो शिवानी बहन आप जो है ना ऐसा कुछ मतलब अपने दिल पे मत रखिए, और जो है हमेशा जैसे रहती थी हमेशा आप लोग रहें, और जो है साथ में अगर हमारी बातों से सभी लोग सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और फिर से हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके पूरे परिवार को, हमारी तरफ से खुश रहो और खूब धूमधाम से नया साल मनाओ, आने वाले नए साल पे बहुत सारी ढेर सारी सुख खुशियाँ आप लोगों के जीवन में रहें। तो चलिए, और हमारा जो इस मन था, मेरे मन में जो चल रहा था वो बात हमने आपके साथ शेयर किया कि किसी के बारे में ऐसे नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर 100 अच्छाई होती है तो इंसान से एक आध गलती हो ही जाती है, ऐसा नहीं है, तो आप लोग जो है सभी समझें इस बात को, और शिवानी और राधा को लेके बार बार इधर उधर की बातें फैलाना अच्छी बात नहीं है, शिवानी बहन काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ी हैं, तो किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।